জুমুতে নাইন ধরে ধরে আদুন কর আদুন কর হুম জুম আদুন কর بس رودت चालू है कब पकता चालू है क्या देखो शुरू करेंगे आवाज कहते हैं ना तो हम पहले पुष्प धनवा रस पढ़ेंगे उसके बाद वाग्भट वाचन और उसके बाद डिस्कशन ऐसा करें मैक्सिमम कंसेप्ट का क्या है पता है पुष्प धनवा ये ओवुलेशन करता है ऐसा कंसेप्ट है लोगों का इसलिए सातवें दिन पुष्प धनवा शुरू करना और देना तो ये प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट में सातवें दिन का इम्पोर्टेंस क्या है किसी को पता है औषधि का क्या संबंध औषध दवाई देने का क्या संबंध ऐसा होता है शुद्ध स्नाता रहती है वो इसीलिए कोई भी देते समय ना प्रेगनेंसी के लिए वो सेवंथ डे से शुरुआत की थी उत्तर वस्ते भी देते हैं फलवृद्धि भी शुरुआत करते हैं तो सेवंथ डे से देते हैं वैसे पुष्प धनवा भी देना है तो हम सेवंथ डे से देते हैं अभी देखो पुष्प धनवा रस में पारद रस सिंदूर या दोनों में से एक लिया जाता है नाग लोह अभ्रक और वंग ये समान मात्रा में है ज़्यादा नहीं है पारद रस सिंदूर नाग लोह अभ्रक वंग समान मात्रा में उसको धतुर की भावना है पहले धतुर के बाद भांग भांग पता है कैनाबिस उसकी है उसके बाद ज्येष्ठ मधु उसके बाद सावरी और नागवेली हम जो पान खाते हैं उसकी भावना है और इसकी टैबलेट बना के रखते हैं इसका जो डोज है बहुत छोटा है आपने टैबलेट देखी होगी पुष्प धनवा की एकदम बारीक छोटी रहती है गुंज गुंज बोले तो रत्ती छोटा गुंजा था ना उसका जितना वजन रहता है उसके हिसाब से इसका डोस रहता है अब इतना बड़ा शरीर 60 किलो का और ये टैबलेट जारी इतनी छोटी तो होता क्या है ये प्रश्न है क्लैब्य हमारे यहाँ पे आया है क्लैब्य मीन्स कि वो शरीर संबंध रखने के लिए सफल नहीं है और दूसरा व्यक्ति आया नपुसक आया है नपुसक मीन्स क्या है जो शरीर संबंध रखने के सामर्थ्य भी नहीं है लेकिन उसको बच्चे हो सकते हैं सिंपल प्रेगनेंसी के रिलेटेड क्लैब्य और नपुसंकता ये दोनों डिफरेंस कर सकते हैं हम तो आयुर्वेद में नपुसकत्व का नाश करने वाला जो भी दवाई है उसको हम वृष कहते हैं अब नपुंसकत्व मीन्स किसी को स्त्री स्पर्श की इच्छा ही नहीं हो रही है किसी स्त्री को पुरुष स्पर्श की इच्छा ही नहीं हो रही है दोनों का नपुंसकत्व है नपुंसकत्व हम बोलते हैं ना तो बॉल ती पेन आणि ते लोक असे तो ये इनको तो और ती का संबंध ही नहीं रहता इच्छा ही नहीं होती है नपुंसकत्व आगे
कांटेक्ट रखने का रखने में ताकत ही नहीं रहती, नपुंसकत्व आ गया। ये सब में जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसको वृष कहते हैं। वृष मीन्स वाजिकर, जो घोड़े जैसा वाजी जैसा मैथुन करने के लिए ताकत देता है उसको वृष कहते हैं। काफ़ी सारी दवाई आती है, जैसे हम कहते हैं कि भल्ला तक आता है उसमें, पिंपली आती है पिंपली वृष, एरंडमूल आता है, और ये जो वृष चिकित्सा में जब करनी होती है तो सिंपल ग्रंथ में दिया है, शरीर का शोधन करना है, शरीर का शोधन करके क्या कर वृष दवाई शुरू करनी है। अब शरीर का शोधन करते समय भी वमन विरेचन सब आया, बस्ती भी आई है, अगर ये नहीं करना है तो हरित के आदि जो योग आया है हमारे रसायन चिकित्सा में वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से रेचन होते हैं और शरीर शुद्धि होके बाद में इस्तेमाल करने के लिए रसायन वाजीकरण इजी जाता है। लेकिन वाजीकरण जो है वो रसायन वाजीकरण में दो भेदभाव है, एक तो नित्य है रसायन और वाजीकरण, दोनों भी नित्य है, लेकिन रसायन से आया हुआ इफेक्ट है परमानेंट या बहुत काल तक टिकेगा। वाजीकरण का इफेक्ट एक दो दिन के लिए, जब तक वो शुक्र निकल नहीं जाता तब तक वाजीकरण रहेगा, तो जब भी परफॉर्मेंस करना है वाजीकरण नित्य रहेगा। ये बता क्यों रहा हूँ, ये पुष्प धनवा में सब आया है। तो ये जो वृष है, वृष में रसशास्त्र में जो है आयुर्वेद में नपुंसकत्व नाशक में अग्रगण्य पुष्प धनवा यह औषध है, अग्रगण्य में पुष्प धनवा। तो पुष्प धनवा हम पढ़ते हैं स्त्रियों के लिए, वो पुरुषों के लिए ज़्यादा आया है, पुरुषांसाठी जास्त आलेला है। नपुंसकत्व के अनेक कारण रहते हैं, ये कारण पांच प्रकार के रहते हैं, जैसे अंडकोश मीन्स एग्स, फलवाहिन्य मीन्स फैलोपियन ट्यूब, शुक्रवाहिन्य सेमेनिन वेसिकल्स, इनकी जो ग्रोथ है अच्छी तरह से ना होना या इनमें कुछ वैगुण्य उत्पन्न होना, ये पांचवा कारण है। ये पांच कारणों से अगर नपुंसकत्व आ रहा है तो उसमें पुष्प धनवा का इस्तेमाल करना है। मीन्स फैलोपियन के ट्यूबल ब्लॉकेज में पुष्प धनवा काम में आएंगे क्या? नहीं। कब काम में आएगी? जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन वहाँ से सातवें दिन तक इम्प्लांटेशन के लिए गड़बड़ हो रही है, तब पुष्प धनवा काम में आएगी। ओवुलेशन के लिए पुष्प धनवा काम में आएगी क्या? आएगी, लेकिन हर बार ओवुलेशन के लिए नहीं, वो एग के अराउंड जो रहता है मीन्स डे 10 to day 30 तक जो बल चाहिए एपरेटस को, वो एपरेटस को बल देने के लिए पुष्प धनवा काम में आती है। तो ऐसा नहीं हमने पुष्प धनवा दे दी और ओवुलेशन हो गया, ऐसा नहीं, ओवुलेशन वाली टैबलेट नहीं है पुष्प धनवा, ये ध्यान में रखना है। जब एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी रहती है, जब जैसे कि ओवरीज छोटी है, टेस्टिस की साइज छोटी है, जैसे कल हमने एक पेशेंट देखा था, हाँ, तो वो ऊपर है ना, उसकी टेस्टिस आई ही नहीं है नीचे, और वो 26 साल का था और लग नहीं रहा था, वो 15 वर्ष का चाहिए पूर्व, दाढ़ी नहीं कहीं नहीं, एकदम चिकना था, चिकना एकदम ना, केस ही नहीं, कहते मिशी नहीं कहीं नहीं। तो उसका क्रिप्टोर्किडिज्म है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, पूरा सैक जो है स्क्रॉटल सैक एम्प्टी है उसका। अब ऑपरेशन करके नीचे लाएंगे, पुष्प धनवा शुरू होगी, क्योंकि वहाँ पे एनाटॉमी भी काम करना है। पुष्प धनवा विद्या तो फास्ट काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मेडिसिनल हमें व्यू रखना है तो ऐसे समय में पुष्प धनवा काम करेगी। जब जैसा वेरिकोसिल रहता है लोगों में, पता है वेरिकोस वेंस रहते हैं, वेरिकोसिल रहता है स्क्रॉटम के आजू बाजू में, टेस्टिस को जो भी ब्लड सप्लाई रहता है, वैसे जब आपको वहाँ होता क्या है, वहाँ ब्लड सप्लाई कम होता है या ज़्यादा होता है? इम्पेयर्ड रहता है, प्रॉपर नहीं रहता है। तो वो प्रॉपर जब एनाटॉमी की वजह से हो रहा है, जैसे वेरिकोसिल है, या स्त्रियों में भी हमें गर्भाशय शैथिल्य लग रहा है, ऐसे समय में पुष्प धनवा का इस्तेमाल होता है।
देखिए एपरेटस है या अपान वायु है, अपान में शुक्र का बल बढ़ाना है और विशेषतः रक्त का संबंध रखने वाली सारी जो पैथोलॉजी से संप्राप्ति है वहाँ पे पुष्पधर्मा यूज करना यहाँ पे बताया है। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स है, शुक्रवाहिन्या है, जैसे सेमिनल वेसिकल्स से, है वो बड़ी हो गई और उसके में उसकी वजह से शुक्र वहन कार्य, रजो वहन कार्य अगर अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे रहने वाले शुक्र का जो भाव है वो कम हो रहा है ऐसा समझ के वहाँ पे पुष्पधन्वा अगर हम देंगे, क्योंकि इन सब कारण की वजह से नपुंसकत्व आता है लोगों में, इच्छा भी नहीं होती है, और इनको कम करने के लिए पुष्पधन्वा का उपयोग आता है। अति व्यवाय मीन्स ज़्यादा मैथुन करने के बाद स्मृति नाश हो रहा है, किसका? दोनों का। निद्रा नाश हो रहा है, किसका? दोनों का। शारीरिक संबंध रखने की इच्छा होने के बाद भी वो इच्छा का भेद हो रहा है, पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे समय में स्मृति नाश ये लक्षण बहुत ज़्यादा मिलता है। किसी की कामेच्छा बहुत बढ़ गई है और वहाँ पे एकदम से उसको कामेच्छा की तोड़ दी गई है, जैसे कि बहुत इच्छा हो रही है और घर में कोई आ गया और वो हो नहीं रहा है, उसकी वजह से व्याकुल मन होता है और उससे स्मृति नाश, निद्रा नाश ये दोनों विकार आते हैं, तो ऐसे समय में पुष्पधन्वा का उपयोग ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन वो मूलतः इच्छा ही नहीं है पहले से स्त्री स्पर्श की या पुरुष स्पर्श की, और न कोमला ऐसे करने वाले व्यक्ति को पुष्पधन्वा का कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि मानस भाव पे वो इतना ज़्यादा काम नहीं करती है, उलट उसका परिणाम जो है विपरीत हो जाता है ऐसे लोगों में देने से। स्त्री विषयक विचार आ गया, थॉट्स आ गए, उसकी वजह से वो थॉट की वजह से ही अगर शिरशूल हो रहा है और वो शिरशूल शुक्रच्युति के बाद, जैसे मैस्टर्बेशन के बाद या शुक्र बाहर निकलने के बाद कम हो रहा है और इंद्रिय शैथिल्य रहता है, ऐसे समय में वंग का ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, ऐसे समय में पुष्पधन्वा भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें नाग है, तो दोनों समय में करता है। तो सिर्फ वंग देते समय हमें कोई दवाई के साथ मिक्स करके देना है, पुष्पधन्वा टैबलेट दे सकते हैं। वही अनुपान के हिसाब से हम पुष्पधन्वा लेके जा सकते हैं, जैसे स्त्री विषयक व्यवहार की वजह से उन्माद, अगर आक्षेपक फिट्स आने तक अगर किसी को बदलाव दिख रहे हैं तो ब्राह्मी जैसे शीत वीर्य वाले जो अनुपान है वो पुष्पधन्वा के साथ देने से तुरंत फायदा होता है, ऐसा कहें। स्त्रियों के एग्स के ओरिज जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं और उसकी वजह से अगर इन्फर्टिलिटी हो रही है, इसकी वजह से ही जननेन्द्रिय का अवयव जो है उनका पूरी तरह से विकास ना होने के कारण शारीरिक संबंध रखते समय इच्छा ना होना, उसमें सुख स्वाद का अनुभव ना होना, इसमें पुष्पधन्वा का उपयोग अच्छा होता है। मनोव्यघाता की वजह से उत्पन्न हो गया है इन्फर्टिलिटी जैसे लक्षण, तो पुष्पधन्वा उसमें थोड़ा फायदेमंद देती है, लेकिन उष्णता, गर्भाशय दुष्टि, योनिगत स्त्राव, इनकी वजह से अगर दुष्टि हो रही है, बाह्य दोषों की वजह से हो रही है, खुद के एनाटॉमी की वजह से नहीं हो रही है, तो इसका उपयोग जो है संभाल के करना चाहिए, क्योंकि वो व्यत्यासत उपयोग करना होता है ऐसा बताया है। जब स्त्रियां जब मेनोपॉज की तरफ जाती है और उसमें अस्थिक्षय होता है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑस्टियोपोरोटिक जैसे लक्षण मिलते हैं, ऐसे समय में पुष्पधन्वा बहुत काम में आती है। हड्डियों के जगह पे अगर मृदुत्व आ रहा है तो गति में बदलाव आ रहा है, चलते समय थोड़ा टेढ़ा चलना ऐसा आ रहा है, पैर जो है डालते समय थोड़ा टेढ़ा कल के डालने की सवय या कम क्या करते आदत लग रही है, तो वहाँ पे नाक काम करता है। मेह और मधुमेह इन विकार में उपद्रव के अलग अलग प्रकार के व्यभिचारित्व लक्षण निर्माण होते हैं, वहाँ पे पुष्पधन्वा देनी चाहिए। शुक्रमेह, लाला मेह, इसमें भी पुष्पधन्वा का उपयोग होता है।
पुष्पधनवा अंडकोष फलवाहिन्या शुक्रवाहिन्या इनको शक्तिदायक उत्तेजक शक्तिवर्धक वृष अंश है। इसमें पारद अथवा रस सिंदूर बल्य उत्तेजक योगवाही नाग स्तंभक बल्य प्रमेहनाशक है। अभ्रक मनोव्याघात जन्य दुष्टिनाशक धातु परिपोषण नियमित करने वाला वंग मेहनाशक वृष ऐसे अलग अलग प्रकार के पुष्प धनवा के हम तो प्रमेह के पेशेंट में जैसे हमें मिलता है कि प्रैक्टिकली मैथुन शक्ति में असमर्थता रहना ऐसे समय में पुष्प धनवा का उपयोग होता है। व्यू पुष्प धनवा का ऐसा रखना चाहिए सिंपल, उसमें अगर देखोगे कोई भी चिकित्सा करनी है तो हम विपरीत चिकित्सा करते हैं। अगर पित्त बड़ा है तो पित्त के गुण के विपरीत चिकित्सा करते, कफ बड़ा है तो कफ के गुण के विपरीत चिकित्सा करते। लेकिन वायु का शमन कैसे करें? वायु का शमन वायु से शमनम बृहनमेव च, और वो बृहन रहते हैं इसमें। इसीलिए जो भी हम रसकल्प इस रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बृहन योग होने के कारण वायु को वायु की वजह से आई हुई शैथिल्यता कम करने के लिए काम में। अब डोज तो इतना है उसका, शरीर तो इतना बड़ा है, लेकिन जैसे औषध वीर्य से काम करते हैं उनका प्रेजेंस जो है, प्रेजेंस की वजह से अगर बच्चे क्लास में बहुत चिल्ला रहे कोई किसी का सुनता नहीं, हेड मास्टर आया तो शांत रहते, टीचर आया तो आधे शांत रहते, आधे गड़बड़ करते। तो ये जो प्रभाव है ये प्रभाव है रस औषधि का रहता है, और उनके कंजम्पशन से हमें वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फैलोपियन ट्यूब हम कहेंगे ब्लॉकेज है हम दे देंगे, ब्लॉकेज तो निकालेंगे नहीं पुष्प धनवा, ओवुलेशन के लिए तो नहीं रहेंगे, लेकिन ओवुलेशन में भी काम आ जाएंगे, जैसे कि वो डेवलपमेंट ही नहीं है और हम पुष्प धनवा का इस्तेमाल करेंगे तो डेवलपमेंट के लिए वो सपोर्ट मिलता है। तो जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते 10-15 लोगों में तो वो कोई भी आयुर्वेद औषधि की आइडिया नहीं आती। जैसे शीतोपलादि चूर्ण है बराबर, शीतोपलादि चूर्ण है, शीतोपला षोडश अष्टोशत वंशलोचना है, और वंशलोचन के बारे में वो बोल रहा था कि वंशलोचन ये कितना पुराना है, अगर 100 साल तक बांबू का जो पेड़ है बन जाता है उसका जो निर्यास है उसको वंशलोचन कहते। तो हमारे फूड एंड ड्रग इतने नहीं बेकार है कि उन्होंने शीतोपलादि के 1200 के ऊपर लाइसेंस दे के रखे, और एक भी व्यक्ति वंशलोचन नहीं डालता क्योंकि मिलता ही नहीं, तो हमने लाइसेंस क्यों दिए? अब जब शीतोपलादि चूर्ण आया है तो दुनिया क्या समझती है, जनरल लोग, सर्दी झाली शीतोपलादि दे, खोखला झाला शीतोपलादि दे, तो उसके लिए है ही नहीं ना, उसका वर्णन राजयक्ष्मा में आया है। क्षय जैसे विकार में जब अभी जब को बुखार आ रहा है ना, और बुखार आने के बाद प्रतिशत ज्वरात कास संजय थे, कासात क्षय संजय थे, ऐसा कहते ज्वर आया है कास आया है कास के उससे क्षय आया है, ये क्षय को दूर करने के लिए ये कास को दूर करने के लिए आया हुआ दवाई है शीतोपलादि चूर्ण। बच्चों को कहाँ से रहेगा, नाक भर ले ले फुफ्फुस भर ले ले द्यायला सांगितले, वहाँ कितना भी शीतोपलादि खिलाओ बच्चों का जाता नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए वो खाते। जब कब देना है, क्षय की अवस्था में, राजयक्ष्मा में वर्णित है प्रतिशय कास ऐसी लक्षण ज़्यादा दिख रही है जैसे अभी ये खास रहे लो, तो इनमें वो जो पुराना वंशलोचन है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। वो सर बता रहे थे व्याख्यानमाला में शीतोपला बारे में, उसमें शीतोपला क्यों आई है याद है किसी को, कि वो पिंपड़ी आई है उसमें मरीज वंशलोचन आया है उसमें त्वक आया है एला है सब उष्ण है ना, और इसमें इतनी बड़ी शक्कर डाल के रखी है शीतोपला ने, शीतोपला षोडश शत 16 गुना है। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाते समय वो धातुओं को तो हमें अग्नि बढ़ानी है, लेकिन अग्नि बढ़ाते समय वो जो द्रव्यों का उष्ण गुण की वजह से और क्षय ना हो जाए इसलिए इतनी बड़ी शक्कर डाल के रखी है। ये कॉम्बिनेशन से वो क्षयज प्रतिष्ठा है, क्षयज कास की अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। जैसे अदिति को हमने परसों कल ये दिया था चिंचा लवन तेल दिया था, लवन बहुत पिलाते चिंचा लवन तेल बहुत लोग पिलाते वातज कास में, उसका सिंपल वातज कास के लक्षण लग रहे थे। वातज कास और क्षयज कास अलग है, वातज कास सीधा वातज हेतु की वजह से आता है, क्षयज कास है वो
क्षय क्या कुछ तो भी हुआ है, जैसे व्याधिकर्षण है, एक्सर्शन है, जो भी क्षय के कारण है उसकी वजह से रहता है, तो वो देख के अगर हम देंगे तो हमें एक्यूरेसी से रिजल्ट मिलते हैं। वही पुष्प धनवा के लिए हमें इस्तेमाल करना है, ना कि वो ओवुलेशन की मेडिसिन है, ना कि वो हम क्या कहेंगे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो बल समझना चाहिए, और बल समझना कैसे है इसके लिए पेशेंट के ऊपर देखना ज़रूरी है। कुछ पेशेंट देखेंगे तो हमें समझ में आता है। मुझे एक पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ओक्टेसर देते थे, पुष्पधनवा देते थे, सातवें दिन देते थे और वो खाने को देते थे, पेशेंट कंस्यू होते थे और मुझे समझ में आया, मैंने पुष्पधनवा पढ़ लिया, तब तो समझता नहीं था, चलो पुष्पधनवा शुरू करेंगे, अरे 6 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी समझता है कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे हम सोचते नहीं है, सीधा लिख के देते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है। वो अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, कि जब आप बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने की आदत पड़ जाएगी, जैसे हम घुटने देख रहे हैं, पहले घुटने को हम विद्ध करते समय हाथ ऐसा होता है, लेकिन अगर 1000वां घुटना है तो हमारा घुटना विद्ध इजीली हो जाता है, लेकिन 1000वीं इनफर्टिलिटी आने के लिए 10 साल जाने पड़ेंगे ना। और पहले इनफर्टिलिटी को तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, एक ग्रोथ चालू है, एक बस्ती चालू है, एक पुष्पाधनना चालू, तो सब इस्तेमाल करते हैं और उसमें अटक जाते हैं। तो एक्यूरेसी से जो इस्तेमाल करते हैं उनका अगर हम सपोर्ट लेंगे तो फायदा होता है। तो ये वृक्ष आ गए, तो जब और एक पेशेंट था मेरा, उनको मैंने पुष्पाधनना का इफेक्ट एक्सीडेंटल फाइंडिंग में आया मुझे, तो मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैक्युलेशन एंड नो इरेक्शन, ऐसे एक कॉमनली ऐसे कॉमन पेशेंट हमें मिलते हैं। इरेक्शन होता है लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। दूसरे पेशेंट में इरेक्शन होता है, उसके बाद में वो मैथुन करने के लिए सक्षम नहीं होता, और कुछ में होता ही नहीं है। ऐसे तीनों पेशेंट में, अगर पहले पेशेंट में अर्ली इजैकुलेशन जब दिख रहा है, इरेक्शन होता है, प्रॉपर होता है, लेकिन 5-10 सेकंड में वो डाउन हो जाता है, ऐसे पेशेंट में पुष्पधनवा का इस्तेमाल ज़्यादा काम में आता है। उसमें नागवंग होने की वजह से वो सपोर्टिव रहता है। तो वही आ गया, वायु की वजह से शैथिल्य आ रहा है, वहाँ वो शैथिल्य दूर करने के लिए, बल देने के लिए पुष्पधनवा का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन वो उष्ण है और उसमें नाग है, वंग है, अभ्रक है, रससिंदूर त्याच्यामुळं आता असं झालं, ब्लाइंडली आपण म्हणतो दूध पापेश्वर अच्छी बनाती है, ब्लाइंडली, और वहां जाके देखेंगे तो समझता है कि अरे कुछ तो भी अलग है। जब तक हम देखते नहीं, अगर किसी स्टूडेंट ने या कॉलेज में बनाई है वो ज़्यादा लेके रखना हमें जिंदगी भर काम आते। तो ये हो गया पुष्पधनवा रस। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है हमारा पुष्पधनवा का। अब हमारा वाग्भट वाचन, वाग्भट वाचन का अध्याय, नया अध्याय शुरू होने वाला है, कुष्ठ श्वित्र कृमि निदानम व्याख्यास्यामः। अब चरक में कुष्ठ निदान, कुष्ठ चिकित्सा अलग दिया है, श्वित्र अलग है, कृमि अलग है, यहाँ पे मिक्स किया है, क्योंकि ये हेतु साम्यता रहने की वजह से वो इसने दिया है। वाग्भट निदान स्थान अध्याय नंबर 14। अरे आवाज आते हुए, अर्थातः कुष्ठ श्वित्र कृमि निदानम व्याख्यास्यामः। कुष्ठ श्वित्र मीन्स विटिलिगो, कृमि मीन्स कृमि के अलग अलग प्रकार, इनका निदान बता रहा। मिथ्या आहार विहार है ना, ये शब्द कहीं भी छूटता नहीं हमारा, ये आयुर्वेद का हमारे एग्जाम का फेमस है, ये हेतु बहुत मिथ्या आहार विहार है ना। तो मिथ्या मीन्स क्या, प्रॉपर नहीं कर रहे, जैसे हम सब प्रॉपर नहीं करते हैं आहार विहार की वजह से, विशेषेन विरोधिना, विशेष कौन सा, विरुद्धन, विरुद्ध विरुद्धन से क्या होता है, कोई भी है, संयोग विरुद्ध है, मात्रा विरुद्ध है, द्रव्य विरुद्ध है, हम क्या कहेंगे कि वीर्य विरुद्ध है, ऐसे कोई भी द्रव्य, जैसे कि कल ही मैंने बताया ना शाम को, फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने स्टेटस डाला था, शिकरण यम्मी, हाँ अनि सॉरी माइकडे फोटो है, दही शिकरण, दूध दही और केला, मी विरुद्ध असं
पाठवला शब्द, पुढच्या वेळेस मी शूत्र पाठवतो शब्द. लेकिन पुराने जमाने से लोग खाते आ रहे ना, पुराने जमाने से लोग खाते आ रहे. मला त्यांचा रिप्लाय मला फार आवडला. आणि मी नाव नाही सांगत, खूप सिनियर आहेत, खूप खूप. तर पुराने जमाने से लोग खाते आ रहे. तो त्यांनी मला पाठवलं की मात्रानं घेतल्यानंतर विष देखील हे अमृत आहे. मात्रा से अगम लेंगे तो विष देखील अमृत आहे. तो विरुद्ध अन्न मात्रा से लेने के बाद क्या होता है, ज़्यादा लेंगे तो वो उत्कलेशकारिक है, बराबर. सडनली कफोपित्त का वृद्धि करता है. तो उनका उन्होंने ये बताया कि हमारे ग्रंथ में सुश्रुत संहिता में वगैरह जब हम वमन करते समय पेशेंट का उत्कलेश अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे उत्कलेश करने वाले बस्ती आए हैं, बस्ती देते हैं. पेशेंट का उत्कलेश होता है, सारे दोष आते हैं और वमन करने में सहज होता है. जैसे माश है, मत्स्य है, कुलत्त है, दधी है, ये औषधि बन के कहाँ आए, रजक्षय में आए या रजसंग में आए, रजसंग में आए, जहाँ पे कफ पित्त का अवरोध होने की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहा है, वहाँ पे कफ पित्त बढ़ाने वाले ही माश मत्स्य कुलत्त आदि द्रव्य आया है. क्यों? क्योंकि वो संग जो है, ये संगों को तोड़ने के लिए वृद्धि चाहिए वहाँ पे. वैसे ही उन्होंने भेजा कि मुझे कास था, क्षयज कास था, और वो दूर करने के लिए मैंने ये खाया हूँ. ये पारंपरिक से हम खा रहे हैं, आप भी खा के देखो, कम हो जाए. म्हणून कळालं की ते सीनियर काय आहेत. कारण काल आपण मी त्यांना शब्द पाठवला विरुद्ध म्हणून, त्यांनी सकाळी सकाळी मला डिटेल पाठवलं. म्हणजे जो विरुद्ध है वो उत्कलेश जल्दी कर रहा है ना, उसका उन्होंने व्यवहार जो विकासी गुण है उसका उसका औषध के लिए इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा ये तो मैं 4 साल बाद पहली बार खा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वैसी कम से कम 15वां डॉक्टर है जिसको मैं रिप्लाई दे रहा हूँ. ऐसा है. लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, विरुद्ध अन्न खाते हैं. विरुद्धों में कॉमन अभी विरुद्ध अन्न क्या आते हैं, मिल्क शेक आते हैं. स्ट्रॉबेरी लेते हैं, दूध डालते हैं, बनाते हैं, दिखने में अच्छा रहता है, खाने के बाद गड़बड़ होती है. उससे भी मक्खा दूध रोटी खाते हैं, उसे वो नहीं डालना चाहिए. क्यों डालना है नमक? दाल में भी नमक है, रोटी में क्यों डालना है नमक? अगर रोटी में नमक नहीं रहता है और बच्चे कुछ नहीं खाते तो भागते भागते समय तूप में मीट पोड़ी करो दे दी लहानपनी, तो पलता पलता रोल ऐसा खाता था. ये रोल मैंने अभी निकला है, हमारे यहाँ तो पहले से रोल्स रोल करके देते थे. लेकिन वो रोटी में भी नमक है, ऊपर से भी नमक लगाया है और हर एक इसमें नमक है. तो अगर वो दूध के साथ खाएगा रोटी तो विरुद्ध अन्न बन जाएगा. दूसरा, लोगों को खिचड़ी में दूध डालने की आदत है, सबसे गंदा प्रकार है. श्वित्र, शरीर खराब, कुष्ठ, बीपी, डायबिटीज, इनका कारण उनका डाइट ही है. एकदम से ऐसे खिचड़ी बनाते हैं और गांव की तरफ तो खिचड़ी ऐसी रहती है, वो झनझनित सावजी खिचड़ी रहती है, और उसमें ऊपर से दूध डालते, थोड़ा दही भी डालते, थोड़ा नमक भी ऊपर से डालते, ऐसा ऐसा करके खा लेते. अरे ते खाल्ल्याशिवाय ॲसिडिटी कमी होत नाही असं त्यांना वाटतं. तो ये गलत है. मित्याहार विहार आहे ना, विशेष आहे ना, विरोधी ना. साधू निंदा, इसका मैंने एक पेशंट देखा है. साधू निंदा, साधू निंदा मीन्स क्या है, सत्पुरुष की जो निंदा करना, ये भी हाँ गड़बड़ करने वाला है. तो मैंने एक पेशेंट देखा था, वो अभी साधु निंदा बिंदा उसने की है अभी पता नहीं, हम कहाँ वो डिसाइड कर सकते. लेकिन वो गुरुजनों को जो टीचर वगैरह रहते हैं उनको वो बहुत बोलती थी. तो उसका जब लैप्रोस्कोपी हो रही थी तो उसका यूट्रस की फैलोपियन पूरे वाइट हो चुके थे, पूरे वाइट. अभी कैसा मैंने देखा ही नहीं, नेक्रोटिक हो चुके थे. तो तब सर ने बताया था कि ये कुष्ठ है, ये गर्भाशय का कुष्ठ है, हमें ऊपर से नहीं दिख रहा है, इसको कुष्ठ की चिकित्सा करेंगे तो ये ठीक होता है. तो इतना डेप्थ में हमारे पूरे लोग सोचते हैं. तो साधु निंदा, देखो वध, मर्डर,
वध अन्य स्वहरणाद्यैश्च सेवितैहि, दूसरों का छीन के लेना या खाना। देखो कहाँ लेके जा रहा है सूत्र, कुष्ठ कहाँ लेके जा रहा है, सिर्फ विरुद्धाहार ऊपर बता दिया है और बाकी के हेतु जे सत्पुरुष की निंदा, मर्डर किया है कभी किसी का, मर्डर मीन्स प्राणी का मर्डर, किसी का भी मर्डर करना, वध वध बोला है ना, दूसरों का द्रव्य, दूसरों का बॉयफ्रेंड, दूसरों का गर्लफ्रेंड छीन के लेना, हाँ पाप में भी ही पाप कर्म करना, कर्म भी ही। देखो ऐसा दिया है नॉन मेडिसिनल नॉन भौतिक ही कारण बताए ज़्यादा से ज़्यादा, ये करने से सद्य प्राप्त नहीं प्रेरिता मलाह सीरा प्रपद्य, ये जो बड़े हुए दोष है इनकी वजह से सद्य कर्म भी ही, सद्य कर्म की वजह से भी ही प्राप्त नहीं प्रेरिता मला, इनकी वजह से मल मीन्स दोष उनका प्रेरित तो बढ़ते हैं। किसी का हम छीन के लेते हैं, जैसा कोई मोबाइल पे देख रहा है किसी ने मोबाइल छीन के ले गया तो कुष्ठ 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 होना चाहिए शीत्र शीत्र बोलेंगे, क्योंकि वो दिया है ना उनकी वजह से दोष उनके बढ़ेंगे, दोष दुष्ट होके वो सिरा में जाके सिराहा प्रपद्य तिर्यग तिर्यग होके त्वग लसिका अस्त्रुगामीशम दूषयंती श्लथीकृत्य। देखो वो तो तिर्यक हो गए तो त्वचा में लसिका में रक्त में मांस में जाके दूषयंती श्लथीकृत्य उनको शैथिल्य निर्माण करके निश्चरंतस्ततो बही ही अंत बही वो भागते हैं, त्वच कुर्वन्ति वैवर्ण्यम त्वचा को वैवर्ण्य करते हैं, दुष्टाः कुष्ठम उषन्ति तत्, इसी को कुष्ठ कहते हैं। पुराने लोग कुष्ठ मीन्स क्या है वो लेप्रेसी को समझते थे, हम कभी लिखते हैं कॉलेज में कुष्ठ लिख लिया, पेशेंट ने देख लिया अर संपल काम मला झाला कुष्ठ झाला आता घर घराच्या बाहेर काढतो, वो कुष्ठ नहीं वो लेप्रेसी है पुराने वाले, ये कुष्ठ हमारा त्वचा विकार, सभी त्वचा विकार इसमें आ जाते हैं। लेकिन ये कुष्ठ के जो विकार है इनिशियली तकलीफ देते नहीं ज़्यादा, उगच खात व्हायला असं मानेला, क्योंकि नाही तर एक्झिमा आलेला आहे, किती वर्षे 10 वर्ष झाले, शीतराचा एक डाग आला आहे, थोडासाच पांढरा काही होत नाही, बघू आपोआप कमी होईल, थोडंसंच फंगल इन्फेक्शन झाले बघू बात में देखेंगे कम हो जाएगा, ऐसा लोग करते हैं क्योंकि पहले ही उनका मनोदृष्टि हो चुकी है, पाप कर्म हो चुके हैं, वो उनको तो फेड़ना ही है, इसीलिए इनिशियली जब दोष दिखते हैं तो लोग उनको निग्लेक्ट करके, जो भी वैद्य है वो धन्वंतरी के समान है और वो मृत्यु को भी वापस भेज सकता है, बराबर, तो ये पाप कर्म आदि जो बातें हैं इनको भी वापस भेज सकता है, लेकिन ये सुनते नहीं उस समय वैद्य, अगर सुनते हैं तो इजीली उनका पाप कर्म दोष जो बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास द्रव्य है, सुनते नहीं तो काले न उपेक्षितम, वो काल जाने देते हैं, उपेक्षित करते हैं, हमारे पास पेशेंट ऐसा थोड़ी आते, मेरे कुछ उत्तर आया सर अभी 4 साल से है मैं एलोपैथी ले रहा हूँ, 10 साल से एलोपैथी, कालेन उपेक्षितम यस्मात् सर्वम कुष्णाति तद वपुहु, तो पूरे शरीर को जो है कुष्णाति मीन्स कुर्तड़त, उंदीर कैसा खाते हैं उस प्रकार से दोष जो है पूरे शरीर का नेक्रोटिक जैसे चेंजेस लाने लगता है, प्रपद्य धातुन व्याप्यंत सर्वान संक्लेद्य चावहेत स स्वेद क्लेद संकोथान कृमीन सूक्ष्मान सुदारुणान रोम त्वक स्नायु धमनी तरुणास्थिनी ही यही क्रमात भक्षेत श्वित्रम अस्माच्च कुष्ठ बाह्यम उदारुतम। इसमें क्या बता है, कोने से भी ऐसे कुष्ठ की शुरुआत हो रही है और उसमें उपेक्षा की है, कालांतर से वही जो कुष्ठ के जो दोष है पूरे शरीर को, जो पहले कहाँ थे रस रक्त लसिका मांस में थे, पूरे शरीर में जाके शरीर को खाते हैं। स सर्व धातुन व्याप्यति क्लेदमय करते हैं, देखिएगा यही पकड़ के 80% चिकित्सा होती है कुष्ठ की, कोई भी त्वचा विकार रहेगा वो आयुर्वेदिक वाले वैद्य क्लेद को नाश विनाश करने वाले ही आहार पिहार आहार विहार औषधियों का चयन करते। ऐसा कुष्ठ हुआ है बहुत दूध पियो, ऐसा कोई नहीं बोलता है, दूध बंद करते क्लेद उत्पन्न करता है, नमक बंद करते हैं
नमक एक क्षार है, फिर भी वो क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक है, वो द्रव को पकड़ के रखता है। इसीलिए कुष्ठ के सारे विकारों में लोग बोलते हैं कि वो लवण बंद करो, कम से कम थोड़ा सा मधुर पाकी सैंधव इस्तेमाल करो। क्लेद के लिए दही वर्ज्य किया जाता है, पानी पीना वो भी क्लेद है, पानी स्वयं क्लेद है, पानी स्व खुद क्लेद है, वो भी बंद करना चाहिए ऐसे लोगों में। लेकिन लोग सुनते नहीं, क्योंकि वो पाप करके बैठे कुछ ना कुछ, उनको भी पता नहीं रहता है क्या है दोष, किधर से लाए हैं हमने। तो वो अगर सुनते हैं तो जल्दी कम हो जाता है, नहीं सुनते हैं तो स्टीरॉयड लेके वो बंद करते हैं, फिर से चालू करते हैं। कोथ, कोथ मीन्स सड़ना, एक्जिमा है, सड़ चुका है, फंगल इन्फेक्शन है, फंगल है, कृमि है, खा ही रहे शरीर को, पूरे त्वचा को खा रहे, समस्या नहीं। जैसे अपनी वो मुंबई वाली पेशेंट है जिसका विरेचन बोल रहे हैं हम अभी, तिथे पाहिले ना पोटाला कोण कोण पाहिले, पूर्ण एवढं भरलेलं आहे, काही करा जातच नाही आहे। तर तिचं बघ पाप काही आहे का, मीन्स काही उलटं बोलत होती का, विरुद्धांना काही खात होती का, अभी आ गई ना तू वो देख लेना। और इनकी वजह से वो शरीर में एकदम सूक्ष्म कृमीन सूक्ष्मान, जो आँखों को दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप में भी दिखेंगे नहीं, ऐसे कृमि उत्पन्न करते हैं। और वो सूक्ष्म दारुणा रोम मीन्स हमारे जो बाल है, त्वचा है, स्नायु है, धमनी है, तरुण अस्थि है, शरीर के जो अस्थि है, इनको क्रम क्रम से वो नष्ट करते हैं, खा डालते हैं, इसको हम कुष्ठ कहते हैं। क्षेत्र में खाना, वो कृमि शरीर को खाना इतना डेप्थ में नहीं रहता है, इसलिए कुष्ठम क्षेत्र में ऐसा नहीं रहता, इसलिए वो क्षेत्र में हम अलग बताएंगे, ऐसा कहा है उसने। कुष्ठानी सप्तदा दोष ही पृथक मिश्र ही समागति है, कुष्ठे सात प्रकार की है, सात प्रकार से होते, वात पित्त कफ तीन दोषों से और सन्निपातों से, जैसे हमेशा सब होते हैं। सर्वेशो अपि त्रिदोषेषु व्यपदेशो अधितत्वतः, सर्व कुष्ठ जो है त्रिदोषात्मक है, लेकिन उसमें से जो मुख्य दोष है उसी के हिसाब से उसके हम नाम रख रहे हैं, ऐसा बताया है। वातेन कुष्ठम कपालम, पित्तात अवदुम्बरम कपा, पित्तात अवदुम्बरम कपाल कुष्ठ वात की वजह से, अवदुम्बर कुष्ठ पित्त की वजह से, कफात मंडलाख्यम विचर्ची च, कफ की वजह से मंडलाख्यम विचर्ची च, वृक्षाख्यम वातपित्तजम, चर्म एक कुष्ठ किठिब सिद्म अस अलस विपादिकाः वातश्लेष्मोद्भवाः, वर्षे वातपित्तजम चर्म कुष्ठ किठिब सिद्म अलस विपादिका, ये है वातश्लेष्मोद्भवाः श्लेष्म पित्तात ऋषुता शतारुषि पुंडरिकम स विस्फुटम पामा चर्मदलम तथा सर्वैः स्यात् काकनम पूर्वं त्रिकम ददृ स काकनम पुंडरिक क्षय ही जिह्वे च महाकुष्ठानि तत्र। ये हमने अभी तक 15 बार पढ़े हैं, एग्जाम में लिखा है, फिर भी भूल गए, तो नाम क्यों याद रखना, क्या बताया है, अगर खुजली ज़्यादा है तो वातज है, उसमें स्त्रावज खुजली है तो कफज है, रुक्षता है तो वातज है, दाह है तो पित्तज, लाली है तो रेड़ने से तो पित्तज है, काला है तो वातज है, श्वेत तो कफज है, सिंपल है। ये लक्षण देख के उसमें दोष कौन सा ज़्यादा है उसके हिसाब से अलग अलग नाम हमने दिए हैं। नामधेयम किम फलम, नाम में क्या रखा है, नाम का फल नहीं रहता है, कर्म का फल रहता है, तो वो दोष जो कर रहे उसके हिसाब से हम चिकित्सा आगे बताएंगे, ऐसा है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे वो यूजी में हम पढ़ते हैं ना, उसके हिसाब से याद करके तो कपाल कौन था कुष्ठ है, अरे सिद्म कौनता है, सिद्म कौन सा है, और पुंडरिक तो पता ही नहीं है, ददरु सबको ददरु ही बोलते हैं लोग, ऋष्य जीवा ये तो ख़त्म ना, ये तो गड़बड़ है। प्रैक्टिकली सब लोग क्या करते हैं, दोष के हिसाब से चिकित्सा रखते हैं। अतिश्लक्षण खरस स्पर्श स्वेदा स्वेद विवर्णता दाह कंडुस्त्वचि स्वापस्तोत कठोन्नति श्रम व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति रूढ़ानाम अपि रुक्षतम निमित्ते अल्पे अपि कोपनम रोमहर्षो असृज काष्ण कुष्ठ लक्षणम अग्रजम। ये सारे कुष्ठों का, त्वचा विकारों का लक्षण जो है शरीर में
निर्माण होने के पहले क्या मिलता है? कुष्ठ होने के पहले जो शरीर था एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट था, बाद में खर 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 लग रहा है, ड्राई बन रहा है, स्वेदागम, स्वेद ज़्यादा आना शुरू होता है। जब पसीना ज़्यादा आता है तो समझना है कि त्वचा खराब हो रही है। पसीना किसको नहीं आता है? कुत्ते को पसीना नहीं आता है, डॉग को, इसलिए वो टंग बाहर निकालता है। इसीलिए श्वित्र में चरक संहिता में वही कुत्ते मरने के बाद उसकी जो हड्डियां हैं, ऐसे जीर्ण कुष्ठ में वही हड्डी का चूर्ण आया है। ऐसे लोगों में जो शरीर में स्वेद आता ही नहीं, तो पूरा सोरायसिस बन गया है, पूरा शरीर खराब हो रहा है, स्वेद ग्रंथि जल चालू है कबर पालम। तो वो कुछ बगा आवाज कितने का तो कुछ तो होने के पहले शरीर स्वेद ज्यादा आता है या आता ही नहीं, दाह होता है, कंडू होती है, हमें तो पता, ये सब सिंपल लक्षण है। सुप्ति आ जाती है, कुछ भी वहाँ पे हम लगाने के बाद समझता नहीं है, तो त्वचा के ऊपर मंडल उत्पन्न होते हैं, हम गांधी तथा समन्तो। आयासा वाचुन श्रम होता है, कुछ भी करने के पहले श्रम आता है, कुछ किया नहीं फिर भी श्रम आता है, कुष्ठ का पूर्व रूप है। व्रण हो गया है तो उसमें वेदनाएँ होती है, जैसे किसी का हाथ में यहाँ पे थोड़ा सा कट है, छोटा व्रण है, लेकिन उसको वेदना बहुत रहती है। व्रण जल्दी उत्पन्न होते हैं, बहुत दिन रहते हैं, भर के आने के बाद भी मृदु नहीं भर जाते, वो रुक्ष भर जाते व्रण, और दोष फिर से ऊपर आने लगते हैं, ऐसा उसने बताया है कि ये हमारे पूर्व रूप है। अब एक 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 कुष्ठ के लक्षण की बात ले रहे, हाँ वेड़ है वेड़। अब कपाल कुष्ठ मीन्स वातज कुष्ठ है, शरीर क्या बनता है, कृष्णारुण कपालाभम वृक्षम सुप्तम खरम तनु, विस्तृता कपाल है, वातज है, बढ़ने वाला है, वृक्ष है, खर है, छोटा है, तनु है, ज़्यादा बढ़ने वाला है, अलग अलग प्रकार से। पक्व दुम्बर ताम्रत्वक रोम गौर सीता सिराजितम बहलम बहलो क्लेद रक्तम दाह रुजाधिकम आशुत्थानावधरण कृमिम विद्यात उदुम्बर। उदुम्बर कैसा फल रहता है, इसके शब्द जैसा सिंपल है, और उसके जैसे जब हमें मिलते हैं तो उसको पक्वोदुम्बर जो रहता है पिंक जैसा, तो लाल रहते हैं, सीरा रहेगी, क्लेद रक्त दाट रहेगा उसमें, तो ये पित्तज रहेगा। वही स्थिर स्थान गुरु स्निग्ध श्वेत रक्तम रक्तम अनाशुगम अन्योन्य सक्तम उत्सन्नम बहु कंडो श्रुति कृमि लक्षण पीताभ पर्यंतम मंडलम परिमंडलम। मंडल है एकदम बड़ा हुआ है, तो वो कुष्ठ है जो कफज रहेगा, सिंपल है। सकंडोपिटिका शावा लसिका डे विचर्चिका, विचर्चिका जो है वो सफ़ेद रंग रहेगा उसका, उसमें लस ज़्यादा निकलेगी, वो हम क्या कहेंगे स्त्राव ज़्यादा निकलेंगे, और उसमें कंडू ज़्यादा रहेगा। पुरुषम तनु रक्तामंत शावम समुन्नतम सतोद दाह रुक्लेदम कर्कशही पिटिकश्चितम वृक्ष जिह्वाकृति प्रोक्तम वृक्ष जिह्वम बहुकृमि। खर है, पतला है, ऊपर बड़ा है, वो कड़ा लाल है, वात पित्त जो बताया गया है, बीच में काला है, बीच में काला है, बाजू में लाल है, और ऋष जिह्वा के जिह्वा के समान उसके, तो उसको ऋष जिह्वा कहेंगे। हस्ति चर्म खर स्पर्शम चर्म, हस्ती के हाथी के चर्म के हिसाब से रहेगा, तो हस्ति चर्म रहेगा। एकाग्रम महाश्रयम अस्वेदम मत्स्य शकल सन्नितम, एक कुष्ठ बहुत फैला हुआ रहेगा जहाँ पे स्वेद नहीं आएगा, और वो मत्स्य के इसकी वजह से रहेगा, जैसे सोरायसिस में हमें मिलता है। किटिभम पुनः रुक्षम कीन खरखरित है, कंडुयुक्त है, उसको किटिभ कहेंगे। सिद्धम रुक्षम बहि स्निग्धम अंतर्गृष्टे रज किरित लक्षण स्पर्शम तनु श्वेत ताम्रम दौग्धिक पुष्पवत प्रायेण चो ऊर्ध्वकाय स्यात्। सिद्धमकुष्ठ ऊपर आता है शरीर में, वो कफ पित्त रहेगा, क्योंकि कफ पित्त ऊपर रहता है, नीचे आएंगे तो वात पित्त रहेगा,
उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के वर्णन दिए हैं। गंडे ही कंडु युते ही चितन रक्त ही अलसकम, अलसक बताया है, लाल लाल जो है कंडु ही युक्त बहुत गाठी रहेंगे, उसको कंड रहेगा। पानीपाद दार्यो विपादिका तीव्रात्यो मंद कंडुश्च स राग पिटिका सीता, हाथ और पैर पे जो हमें दारण होता है भेगा पड़ता, पाल्मर सोरायसिस बोलते हैं जिसको, तीव्र वेदना किंचित कंड रक्तवर्ण उसको विपादिका कहेंगे, वात पित्त जो रहेगी। दीर्घ प्रताना दुर्वा वद अतसी कुसुमश्चवि उत्सन्न मंडला ददरु कंडुमति अनुषंगिनी, दुर्व के हिसाब से जिसके जो अलग अलग ऐसा फैल रहा है रंग अतसी के फूल के प्रमाण रहेगा, मंडले ऊपर आई है उसको ददरु कहेंगे सिंपल। स्थूल मूलम सदा हरती रक्तशावम बहुरनम शतारु क्लेद जंतवाढ़ प्रायश पर्व जन्मच, जिसके जो मूल है बहुत बड़े है, दाह वेदना है, लाल काला है, रक्तशावम है, बहुव्रन है, तो उसको शतारु हम कहेंगे। रक्तांत मंतरा पांडु कंडु ये इसमें ज्यादा में ज्यादा मंतरा पांडु कंडु दाह रुजान्वितम स उत्सदम माचितम रक्त ही पद्म पत्रम इव अंशुभि घन भूरी अलसिका अश्रुक प्रायमाशु विभेदी च पुंडरिकम, पुंडरिक कुष्ठ के बारे में बताया, वो बाद में सब हमें एक जैसे ही लगते हैं, बरगा लेकिन क्या दिया है, जो जैसे दिखता है उसके हिसाब से दिया है, बाकी कुछ नहीं। तनुत्वक विस्फोटम स्फोट ही सितारुण ही विस्फोटम, विस्फोट एकदम तनुत्वक वाले आपल्याला माहिती आहे, विस्फोट तर नाही माहिती तर पोळो तुम्ही येतील उद्यापर्यंत। पिटिका हा पामा कंडू क्लेद रुजा अधिक सूक्ष्म शावरुणा बाह्य प्राय स्पिक पाणी कर्पुरे, विशेषतः स्पिक बटकच्या ठिकाणी हातापायांना आणि कोपऱ्याच्या ठिकाणी अशा ठिकाणी जेतात उसको पामा कहते हैं। सस्फोटम अस्पर्श सहम कंडू कंडुषातोद दाहवत रक्तम दलश्चर्मदलम, चर्मदल बताया गया है। काकनम तीव्र दाह रोग पूर्वम रक्तम च कृष्णम च काकनंती तो भवेत, काकन कुष्ठात दाह वेदना उग्र बहुत ज्यादा रहेंगे। दोष भेदीय विहित ही आदिशो लिंग कर्म भी कुष्ठेशो दोषोल बनला, दोष भेदीय जो अध्याय है सूत्र स्थान में वहाँ पे जो दोषों की लक्षण कर्मे जो बताई है उसी के हिसाब से कुष्ठ में क्या ज्यादा है क्या कम है वो देख के दोष लगाने आगोदर से लखंड आगो एवढं कुठे लक्षात राहते, औदुंबर आहे हे आहे, औदुंबर तर लक्षात राहील, मंडल लक्षात राहील, शतारू ऋषजीव हे तर आहे, किटीभ आपले भांडण कॉलेजमध्ये एक म्हणते एक कुष्ठ आहे दुसरा म्हणते हे किटीभ आहे, कॉलेजमध्ये जाते सोरायसिस म्हणलं तर हे म्हणते एक कुष्ठ दुसरा म्हणते एक कुष्ठ आहे का, नाही 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 सर किटीभ आहे, हां बरोबर आहे, दुसरा म्हणते एक कुष्ठ आहे, तो ये गड़बड़ होती है। तो ये ध्यान में रखना दोष भेदी अध्याय में जो दोष के कर्म लक्षण सब दिए हैं उसके हिसाब से शोधना है पकड़ना है और उसकी चिकित्सा करनी है, क्योंकि हमें चिकित्सा करनी है। याप्यम मेधोगतम, मेधोगत जो कुष्ठ है हाँ गेलं का गोल गोल फिरायले झालं का बघ ते बघा रे झाले मेधोगत नाही झाले हे ऐकू आले का बघ झाले हे ऐकू आले का हां हे नाही कुष्ट मला पटकन संपायचं बरं का आपल्याला चित्र सुरू झाले की बंद करू मग बाकीचं बोलू। अकृच्छम कफवाताढ्यम, कफवातक रहेगा खुजलीवाला रहेगा ज़्यादा दाह नहीं है ज़्यादा रक्त का संबंध नहीं है तो सुख साध्य है, एक दोषात्मक सुख साध्य है, त्वगत कुष्ठ सुख साध्य है सिंपल। तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे तोद वैवर्ण्य रुक्षता स्वेद स्वाप श्वयतु शोणिते पेशिते पुनः पाणिपादाश्रिता स्फोटा क्लेद संदिशु चाधिकम कौन्यम गतिक्षय अंगाना दलनम चाच्य मेदसी, नासाभंगे अस्थि मज्जस्ते नेत्र राग स्वरक्षय क्षते च कृमय शुक्रे स्वदारापि अबादनम, वही जो कुष्ठ है धातु में कुछ पेशेंट रहते कुपोषित पेशेंट वाले रहते, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आती है जो पर खाना नहीं खाती एक रोटी खाती है, जिनको
कुछ ज्वर की वजह से, पहले हिस्ट्री ऐसी रहती है कि वो ज्वर की वजह से उनका वेट नहीं बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ती है। कामल का भी जैसे पांचभौतिक में बताया है कि पूर्व पूर्व कामला है या पूर्व ज्वर है, इसके हिसाब से हाइट नहीं बढ़ती है, वेट गेन नहीं होता है, बाल गिरने रहते हैं, ऐसे पेशेंट मिलते हैं। दूसरे पेशेंट हमें मिलते हैं कि अध्यसन की वजह से बहुत खाना खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, उसकी वजह से दोष ज़्यादा बढ़ के अस्थि का पोषण रुक गया है और इसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ रही है, विशेषतः 11 से 16 तक ऐसे मिलते हैं। और कुछ पेशेंट हमें टिपिकल हार्मोनल इम्बैलेंस वाले पेशेंट मिलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिटार्डेशन वाले हमें पेशेंट मिलते हैं। हमारे पास वो एक लड़की आई, कल ही आई थी, सबसे लास्ट में छोटी आई थी, तो ऐसे ग्रोथ हार्मोनल वाले पेशेंट मिलते हैं। तो ये तीनों की चिकित्सा अलग अलग रहेगी। जब पुणे के लोगों ने, मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि पुणे के लोगों ने अलग से दवाई बनाई है, ऐसी दवाई क्या थी, उन्होंने सूत्र बनाए, किसकी हाइट बढ़ानी है तो उनको दवाई की जगह उन्होंने सूत्र बनाए कि अगर बढ़ानी है तो हमें टारगेट कैसा करना है, किसी की हाइट बढ़ानी है। अब हाइट ये इशू आता है एलोपैथी के हिसाब से, हमारा जो हाइट बढ़ाने के जो बातें हैं वो एक तो फीमर पे रहेंगे या स्पाइन पे रहेंगे या टिबिया पे रहेंगे, ज़्यादा हाइट बढ़ेगी कहाँ से, यहीं भाग से बढ़ेगी हाइट या लॉन्ग बोन से बढ़ेगी। तो लॉन्ग बोन का जो है एपिफाइसिस है वो तो क्लोज हो जाता है ऐसे 17-18 साल में, ऐसा कहते हैं, बाद में बढ़ती नहीं। लेकिन मैंने खुद 27 साल तक देखी है उम्र हाइट बढ़ते हुए, और 15 साल की भी बड़ी नहीं है कभी, ऐसा देखा है। तो ये ऐसे पेशेंट देख के इन्होंने सूत्र बनाए हैं, कुछ सूत्र बनाते समय उन्होंने डिवाइडेशन किया है, एक डिवाइडेशन किया है कि आहार का करेक्शन करना है, आहार में दूध का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इसलिए जब हाइट बढ़ाने के पेशेंट आते हैं जो अवरोधात्मक संप्राप्ति के नहीं होंगे, ऐसे पेशेंट को हम दूध देते हैं। 2 टाइम दूध लेना है, 3 टाइम दूध लेना है, 1 ग्लास भर के दूध देना है, क्योंकि वो यापन करने वाला होता है। उसके साथ में वो जो दूध है या बाकी जो दवाई है वो डाइजेस्ट होना चाहिए, इसके लिए वो साथ में दीपन पाचन वाली दवाई देते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्रका दीवटी इस्तेमाल की जाती है। कुछ मोबाइल और बगल कुछ लोग शंखवटी इस्तेमाल करती है, तो ऊपर या नीचे वाले दोष के हिसाब से, क्योंकि शंखवटी में वत्सनाभ है, चित्रकादी में सिंपल आमाशयगत वाले काम करने वाले रहते। अब इसके साथ में अस्थि पोषण के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा, कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। इनके बारे में इन लोगों ने पढ़ाई की या इस्तेमाल करके देखा, तो अस्थि पोषण के लिए बहुत सारे दवाई आते हैं। अस्थि पोषक वटी आती है, कैल्सिप्राल आती है, कुकुटांडत्व भस्म आता है, प्रवाल आदि भस्म आते हैं, कामदुदा आती है, प्रवाल पंचामृत आता है, मोती वाला सब आता है। लेकिन ये सब इस्तेमाल करके ये दोषों पे काम करते हैं, अस्थि पे ज़्यादा जाने का इनका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ये क्षत जब होता है, अस्थि के ऊपर क्षत होता है, जैसे उरक क्षत वगैरह होता है, ऐसे समय में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है वो पूरी तरह से क्षत को भरने वाली रहती है। इसीलिए लाक्षा वाले जो कल्प है, जो प्रत्यक्षता अस्थि का रूप है, इसलिए लाक्षा वाले कल्प इस्तेमाल करने का उन्होंने सोचा। इसलिए वो टैबलेट 1 और टैबलेट 2 ऐसी दी जाती है। वो टैबलेट 1 और टैबलेट 2 जो है लाक्षा वाली टैबलेट रहती है। लाक्षा जिन जिन योग में है या खुद बनाते हैं, जो लाक्षा है पीपल की, अगर लाक्षा लेंगे हम तो वो हाइट बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ लाक्षा पे काम करती है। तीसरा रहता है हर एक को अभ्यंग दिया जाता है, हर एक को अभ्यंग दिया जाता है, जिसकी वजह से वायु का है अस्थिगत वायु, उसका शमन होता है। चौथा रहेगा चंद्रशूर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइट की बाकी दवाई एक तरफ और चंद्रशूर एक तरफ। चंद्रशूर का इस्तेमाल सुबह सुबह दूध के साथ दिया जाता है। चंद्रशूर अगर हम देंगे तो वो जो है तो वो क्लेश बढ़ाएगा और सीधा निगल लेंगे और वो पक्वाशय में जाएगा। पक्वाशय में वायु है, वो उष्ण स्निग्ध है, अस्थिगत वायु का शमन करेगा और हाइट बढ़ाने में काम में आएगा। इसके साथ वहीं पे एक्सरसाइज ये तो किसी की भी हाइट बढ़ती है। 25 साल तक 1 महीने में कम से कम 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर बढ़ती ही है, लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन आना चाहिए साथ में।
प्रोवाइडेड दैट इनको हार्मोनल इसके बारे में कुछ बोलेंगे तो ये लोग पहले आते हैं, इतने बौने बौने लोग आते हैं। तो ये अष्टोनिंदन में जाते हैं कुछ लोग, एकदम अति स्थूला वाले, अति दीर्घ वाले, अति रस्व वाले, तो अष्टो। लेकिन हो रहे ऐसे लोग भी मूवी के लिए, तो हमारे पास आया था काही करा डॉक्टर 1.5 सेंटीमीटर वाढून द्या म्हणला, एक 2.5 सेंटीमीटर बढ़ गई उस। तो वो कुछ लोगों को फायदा होता है, जैसे कि हम 10-10 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते ना, लेकिन 3 मिलीमीटर की वजह से भी पुलिस भर्ती की गड़बड़ हो चुकी है, लोग रहते 3 मिलीमीटर की वजह से नहीं भर रही, ऐसा करते हैं फिर भी नहीं भर रही, तो उनके लिए ये जो 2 महीना है ये बहुत काम में आता है। यही 2 महीने क्यों, 2-3 बजे विसर्ग काल शुरू हो रहा है, बल्य काल शुरू हो रहा है, आगे जाके ठंडी आने वाली है, तो अभी हम काम करेंगे। पित्त की तीक्ष्णता ज़्यादा बढ़ी हुई है, वो जो ये अस्थिगत जो दवाई है अस्थि को पोषण देने वाली, वो कंजम्पशन और डाइजेशन करने के लिए फायदेशीर रहता है ये काल। दूसरा अगस्त्य तारा का उदय है, उसकी वजह से भी हमें शरीर में एक आध्यात्मिक बल मिलता है। नवरत्न आई है, नवरत्न में ध्यान, धन, पैसा, पढ़ाई, दौलत, ज्ञान सब बढ़ता है। जैसे हम डालते हैं धान डालते हैं, उसमें जो खेत में इतने जल्दी नहीं आते, लेकिन यहाँ पे डालने के बाद 10वें दिन इतने इतने हो जाते हैं, तो वो जो वृद्धि ये जो गुण है ये काल में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इन सभी का इस्तेमाल करके आयुर्वेद लोगों ने उंचीचे औषध म्हणून सुरुवात केली आहे, तर ह्याचा खूप जास्त फायदा होतो आणि हर लोगों ने करना चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा सिक्रेट इंग्रेडिएंट है ऐसा है नहीं, एक दवाई दे दी सब ने खाई और हाइट बढ़ी ऐसा नहीं, इसमें निदान पंचक आएगा, निदान आएगा, हेतु आएगा, सब देख के चिकित्सा आएंगी। लेकिन ये सारी चिकित्सा पेशेंट को हम नहीं बता सकते, इसीलिए हम कहते सब लोगों को पता है। 2 साल पहले वाले भी पेशेंट आए कल, 4 साल पहले वाले, 2016 की पेशेंट आई, 2016 में अभी 24 साल की हूँ, अभी बढ़ेंगी। मेरे पास ये 27 साल की लड़की थी, उसने बताया नहीं वो 27 की थी, उसने बोला हाइट है हाइट है, मतलब ठीक है करेंगे, उसने फॉलो किया, कम से कम इतनी बड़ी। मैं मेरे नांदेड़ के इसमें वो मीटर नहीं था, तो जो भी पेशेंट आता है तो हम ऐसा मार्किंग करते थे परमानेंट मार्कर से, और उसका इनिशियल लिखते थे ESD ऐसा कुछ भी जो भी है, तो उसको 15 दिन बाद ऐसे 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 दिखते थे, तो इतनी बढ़िया मज़ा आता था, वो देख के लोग खुश होते थे। तो हम वो चिकित्सा कर सकते, बाकी बहुत डेप्थ में रहेगी, पुरुषम पुरुषम वृक्ष, हर एक व्यक्ति देख के उसकी चिकित्सा रहेगी, तो हम वैसी चिकित्सा करेंगे तो हमें पेशेंट को रिजल्ट देने में आसानी आती। तो अगर यही महीना हम अगर अगले साल बोलेंगे कि बुद्धिवर्धक दवाई नहीं है तो वो भी काम में आएगी, यही इसमें बोलेंगे कि बच्चों वर्धक हम बनाएंगे इनफर्टिलिटी के लिए, बच्चे बढ़ाने हैं किसको, तो यही महीना काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बातें, विसर्ग काल का बल शुरू होगा अभी, उसे दवाई इस्तेमाल करना आध्यात्मिक है, और वो हिप्नोटिज्म भी है, वश में आ जाते हैं लोग यही काल में ज़्यादा, और उसके हिसाब से फॉलो ज़्यादा करते हैं, फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आता, तो सब ने करना है, करता था सर, ठीक है, चला करा क्लोज।